नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। बहरहाल हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले उज्जैन से एक खुशखबरी सामने आ रही है। उज्जैन वासियों को अब आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन हो सकेंगे, एंट्री मिल सकेगी। जुलाई से आधार कार्ड से ही मंदिर में प्रवेश किया जा सकेगा। बाहरी श्रद्धालुओं पर ये आपको बताएं कि तरहीज दी जाएगी, लेकिन उज्जैन वासियों के लिए अलग से द्वार बनवाया जा रहा है। जल्द ही प्रबंध समिति की बैठक भी होगी इस द्वार को लेकर। साथ ही साथ ये भी जानकारी की बैठक में तारीख भी तय की जाएगी कब से इस व्यवस्था का आगाज होना है। द्वार दोनों तरफ से तय होने और साथ ही साथ कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब आधार कार्ड से ही भक्त एंट्री ले सकेंगे। महाकाल में जो पैसे लग रहे हैं उसके बारे में भी हमने बातचीत की है, वो उस महत्वपूर्ण समिति की बैठक में बात करेंगे। और हमने कहा कि जिस प्रकार अभी अंदर महाकाल के अंदर दो महीने श्रावण में नहीं जान गई है, उसमें हमने कहा कि इस पर विचार करें और हो सकता है तो आने वाले भविष्य में भी इस पर विचार होना चाहिए। और दूसरा जो पैसे लग रहे हैं उसमें जो VIP जाएगा उसको बाकी उज्जैन के जितने भी लोग जाएंगे आधार कार्ड बताएंगे तो उनको कोई पैसा महाकाल का नहीं लगेगा। मैंने पहले भी प्रबंध समिति की बैठक में भी आप लोगों को बताया कि उज्जैन वालों के लिए अलग से द्वार होगा, तो द्वार की स्वीकृति उज्जैन जो है हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई माह से उज्जैन वालों के लिए अलग से द्वार हो जाएगा। उज्जैन वाले वहाँ पे जाकर के अपना आधार कार्ड बता करके दर्शन कर सकेंगे। दूसरी बात, हमारे उज्जैन में दर्शन के लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लगती, केवल शीघ्र दर्शन की शुल्क लगती है। वो हमारे देश के सभी मंदिरों में जो शीघ्र दर्शन करना चाहता है वो अपने शुल्क देकर के करवा सकता है। महाकाल मंदिर को लेके कि जो जुलाई में उज्जैन नगर वासियों के लिए निःशुल्क जो मैंने पहले भी आपको बोला था मांग रखी थी, वो आज कलेक्टर ने उसको बोला है कि हम उसको जुलाई में हम चालू कर देंगे। उज्जैन शहर के जितने भी जो दर्शनार्थी तीर्थार्थी हैं वो आएं और अपना आधार कार्ड या ID दिखाएं और निःशुल्क दर्शन करें। अजय से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अजय, नई व्यवस्था उज्जैन वासियों के लिए खुशखबरी के तौर पर जरूर देखी जा सकती है। अजय जी, देखिए सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, इसी को लेकर जो है मंदिर में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में मंदिर में उज्जैन के शहरवासी भी जो है दर्शन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोड ना बढ़े एक ही गेट पर। इसी को लेकर जो है काफी समय से मांग चल रही थी कि उज्जैन शहरवासियों के लिए एक अलग से नया द्वार बनाया जाए जहाँ से उनको एंट्री मिल सके। तो महाकालेश्वर मंदिर में जो है उज्जैन शहरवासियों के लिए खुशखबरी है कि जुलाई माह में जो है गेट को खोल दिया जाएगा और अभी प्रबंधक समिति मंदिर की जो बैठक होगी उसमें समय और गेट दोनों ही तय हो जाएंगे कि इनको कब तक खोलना है। और जो है उज्जैन शहरवासियों को सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा तो उससे जो है महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री मिल सकेगी। इसी को लेकर जो है आज उज्जैन के जनप्रतिनिधियों ने जो है कलेक्टर से मुलाकात करी थी और अपनी बातें रखी हैं। अब जल्द ही जो है उज्जैन शहरवासियों को यह सुविधा मिलने लग जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जो जानकारी के लिए। और चलिए अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में मॉनसून की दस्तक को लेकर। जल्द ही ये जानकारी साझा की गई थी मौसम विभाग की तरफ से कि मॉनसून दस्तक दे सकता है और अब ये खुशखबरी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कि मॉनसून छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। गर्मी और उमस से अब लोगों को राहत मिल रही है। आपको ये भी बताएं कि केंद्रीय मौसम विभाग की तरफ से ही इस बात को लेकर घोषणा की जा चुकी है। सहगी युगल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, भीषण गर्मी से राहत के आसार पहले से ही जाहिर किए जा रहे थे और अब ये खुशखबरी भी। जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, किसानों के साथ साथ आम लोगों के भी चेहरे हैं वो खिले हुए हैं क्योंकि भीषण गर्मी पूरे प्रदेश में पड़ रही थी। अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून वैसे भी काफी लेट से आ रहा है, 73% कम बारिश अभी फिलहाल आज 23 जून तक दर्ज की गई है, तो ये चिंता की विषय था। लेकिन इस बीच राहत और खुशी की बात यही है कि बस्तर में मानसून ने दस्तक दे दी है और ये राहत वाली खबर है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अब चेतावनी भी जारी किया है, सरगुजा संभाग के सभी जिले और उससे लगे कोरबा और रायगढ़ जिले में चेतावनी जारी किया है। गरज चमक के साथ तेज अंधड़ चलने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। तो ये कहा जा सकता है
किसानों के लिए राहत की भरी नहीं, पूरे लोगों के लिए राहत की भरी खबर है। अब मानसून है वो दस्तक दे चुकी है, जब आ चुकी है तो राहत किसान सबको लेंगे, खेती किसानी का जो काम है उसमें भी गति आएगी। जी अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ईगल जानकारी के लिए। और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी हो चुका है। सरगुजा संभाग के लिए ये सभी जिलों के अलर्ट जारी हुआ है। कोरबा रायगढ़ जिले के लिए चेतावनी जारी हुई है। गरज चमक के साथ यहां पर तेज आंधी चलने की संभावना, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी लगभग जाहिर की जा रही है, क्योंकि मॉनसून की एंट्री एक तरफ हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। बस्तर सरगुजा संभाग के लिए भी ये अलर्ट, जिसमें कोरबा और रायगढ़ जिले का भी जिक्र है, भारी बारिश की आशंका है। आगे बढ़ते हैं सतना से अगली बड़ी खबर, जहां केंद्रीय जेल से पैरोल पर छूटे कैदियों पर हमला हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर में दहशत फैलाने की कोशिश बदमाशों की तरफ से, दो दर्जन नकाबपोश बदमाश यहां पर पहुंचे जहां दहशत फैलाने की कोशिश हुई, कई राउंड फायर किए गए, दो कारों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। जेल की रंजिश का मामला बताया जा रहा है। दहशत में आसपास के रहवासी और पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है, लगातार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है, साथ ही साथ घटनास्थल पर क्या कुछ हुआ है ये भी आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश। और अब झाबुआ से अगली बड़ी खबर, जहां एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। शॉर्ट सर्किट के चलते यात्री बस में धुआं उठाता और बस में धुआं उठते ही फौरन यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया। यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बिना फिटनेस के वाहन दौड़ रहे हैं सड़कों पर, तमाम कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन इसका असर आप देखिए, अभी भी कई ऐसे वाहन हैं जो कि फिटनेस चेकअप से बचकर इस तरह से अवैध तरीके से परिवहन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिला अस्पताल के सामने ही हादसा हुआ, लेकिन राहत भरी बात यही कि सभी को समय रहते बस से नीचे उतार दिया गया। चलिए बात करेंगे दमोह की, जहां पर सेंट जॉन स्कूल के मेन गेट के सामने दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाई और बच्चे वापस घर लौट आए। आपको बता दें, पुलिस विभाग के शासकीय आवास निर्माण के लिए ये दीवार खड़ी की गई है। दीवार खड़ी होने से मेन गेट बंद हो गया स्कूल का और सुबह सवेरे पहुंचे बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाई। स्कूल प्रबंधन ने छुट्टी करके बच्चों को घर रवाना किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जमीन से रास्ता बनाया गया है। स्कूल प्रबंधन कलेक्टर एसपी से मिलकर आज समस्या का समाधान करेगा और कोर्ट जाने की बात भी स्कूल प्रबंधन ने कही है इस मामले को लेकर। कल अचानक रात को पुलिस वाले ने पूरा ये गेट मतलब बाउंड्री बंद बना दिया गेट के सामने, तो पूरा रात में हुआ शायद, लेकिन हमको सूचना कुछ नहीं दिया था और हमको भी सड़क है, हमारा ड्राइंग में दिया हुआ, हमको भी रास्ता है इधर। तो अचानक ये जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, इससे परेशानी ये हुई है कि आज हमें स्कूल का अवकाश भी करना पड़ा है, पेरेंट्स को हम सूचना भी नहीं दे पाए हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे भी परेशान हुए हैं और जो उनका शिक्षा का मूलभूत अधिकार है उससे वो वंचित हो गए हैं। वाली बेटी को छोड़ने आया स्कूल, तो देखा सारे पेरेंट्स भी बहुत से और बच्चे बाहर खड़े हैं, सर लोग भी खड़े हैं, और स्कूल का मेन गेट के सामने दीवार खड़ी हुई है। ये देख रहा है कि यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई स्कूल के मेन गेट पर। क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? आप जानकारी अभी कुछ भी नहीं है, जानकारी यही लोगों से यहाँ जो है उनसे पूछ के पता चला है कि रात में प्रशासन ने यहाँ दीवार उठा दी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छतरपुर की, जहां इस्तीफे के बाद डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पद से इस्तीफे की बात को स्वीकार वो करती नजर आती हैं। सर्वधर्म सभा के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति न मिलने और मौलिक अधिकारों का हरण का आरोप लगाया है। छतरपुर जिले की लवकुश नगर तहसील में एसडीएम के पद पर निशा बांगरे पदस्थ थी। इस कार्यक्रम में पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है, और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ। तो वहीं एसडीएम निशा बांगरे के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अफसरों को प्रताड़ित कर रही है, वहीं बीजेपी के अपने ही अलग तर्क हैं इस इस्तीफे को लेकर।
देखिए जिस तरह से निशा बांगड़े जी को लगातार पिछले कई समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि यदि कोई कांग्रेसी मानसिकता का अधिकारी कर्मचारी है तो भारतीय जनता पार्टी का शासन उसे बर्दाश्त नहीं करता, और इस तरह से उन्हें धार्मिक आयोजन की अनुमति में शामिल न होने देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक संकीर्ण मानसिकता है उसको दर्शाता है। बड़ी शर्म की बात है, सिविल सर्विस सेवा के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के तहत यदि उनको अनुमति नहीं दी तो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अब इसमें भाजपा कहां से आ गई, अब हर चीज के एक नियम होते हैं, यदि कोई नौकरी करता है सरकारी नौकरी करता है तो उसके नियम का पालन करना पड़ता है, और अब ये खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस मानसिकता की थी वो अधिकारी इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि उनकी विचारधारा की थी, क्योंकि कोई पद पर रहते हुए व्यक्ति सरकारी अधिकारी क्या किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से काम कर सकता है क्या? तो कांग्रेस को स्वीकार रही कि उनकी विचारधारा से काम कर रही थी, मतलब वो निष्पक्ष काम नहीं कर रही थी। और इस बीच क्रिकेट जगत से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया है। वनडे और टेस्ट में रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। टेस्ट टीम से चेतेश्वर पुजारा बाहर रखे गए हैं। टेस्ट में ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल की एंट्री हुई है, और साथ ही साथ मुकेश कुमार उनादकट, नवदीप सैनी को भी जगह मिली है। अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया गया है। वनडे में संजू सैमसन की वापसी हुई है। 12 जुलाई से वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत, और सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे, 5 T20 मैच खेले जाने। क्रिकेट जगत से बड़ी जानकारी, अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। संजू सैमसन की वापसी इस टीम में। आपको बताएं कुल मिलाकर सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मुकाबले खेले जाने हैं। 12 जुलाई से दौरे की शुरुआत होगी। अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन के तौर पर प्रदर्शन दिखाएंगे, साथ ही साथ मुकेश कुमार उनादकट और नवदीप सैनी को भी टीम में जगह दी गई है। तो सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। वनडे और टेस्ट सीरीज, जो कि वेस्टइंडीज दौरे को लेकर पूरी लिस्ट, जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले हैं, ये एक बड़ी जानकारी। टेस्ट टीम में चेतेश्वर पुजारा बाहर रखे गए हैं। और चलिए सीधे अब बात करेंगे पटना की, जहां विपक्षी दलों की महाबैठक खत्म हो चुकी है। करीब 3 घंटे 45 मिनट तक ये बैठक चली। 15 दलों के 27 नेता इस बैठक में शामिल हुए। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की थी। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, ये तमाम बड़े नेता 15 अलग अलग दलों से यहां पर पहुंचे थे। और अब ये जानकारी कि ये बैठक खत्म हो गई है। विपक्षी एकता के मद्देनजर इस बैठक को बुलाया गया था। यही रणनीति थी कि किस तरह से भाजपा को चैलेंज किया जा सके, ऑपोजिशन सख्त हो, इसी तैयारी में विपक्षी दलों की महाबैठक बुलाई गई थी। सहयोगी आनंद से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। आनंद, आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ हुआ इस बैठक में अभी तक? बैठक अब लगभग 4.25 घंटे तक चला, लगभग 12 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और 4.25 बजे तक ये बैठक चली और बैठक खत्म हो चुकी है। और बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में कई सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। एक जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, जिसकी औपचारिक घोषणा आपसे कुछ देर के बाद प्रेस वार्ता में किया जाएगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के तो तमाम पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की भी बात हो रही है, और बीजेपी के खिलाफ हमला किया कैसे किया जाए, उसकी रणनीति क्या है, उस पर भी बात हुई है। इसके अलावा एक कमेटी बनाने की बात कही है जो तमाम पार्टियों के साथ तालमेल बैठाएगा, सामंजस्य बैठाएगा, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक मजबूत गठबंधन बन सके। एक मुद्दे इस पर भी चर्चा हुआ कि जो आज 15 पार्टियां शामिल हुई थी बैठक में, वो 15 पार्टियों की एकजुटता बनी रहे, उसके लिए आगे आने वाले समय में भी बैठक होगी। और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की जो बात इस बैठक में सामने आ रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार की पहल पर ही राजधानी पटना में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जिसके तमाम बड़े विरोधी दल प्रमुख नेता है इस बैठक में शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है ये बैठक एक तरीके से महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, और ये माना जा रहा था कि इस बैठक में क्या कुछ। चलिए देखना होगा आनंद किस तरह के ऐलान आगे किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। दमोह में युवती के साथ हुए लव जिहाद के मामले में सरकार सख्त है, ये कहना है मध्य प्रदेश के गृहमंत्री अनंत मिश्रा का। उनका कहना है कि फारूख की गिरफ्तारी के लिए एक टीम कर्नाटक भेजी गई है। और क्या कुछ कहा अनंत मिश्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। कल बच्ची ने दमोह महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कर्नाटक के अमर फारूख नाम के
व्यक्ति के खिलाफ में महिला थाने में केस रजिस्टर्ड किया है। इस मामले को हमने काफी गंभीरता से लिया है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। दमोह में युवती से लव जिहाद मामले पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कर्नाटक के उमर फारूक के खिलाफ बच्ची ने कराई है शिकायत। कमलनाथ के घर वचन पत्र समिति की बैठक, कमलनाथ का बयान अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ तैयार। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले कमलनाथ, बीजेपी छोड़ने की बुलेट ट्रेन चल रही है। पोस्टर लगाने पर पीसी चीफ कमलनाथ का बयान, मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक किसी ने नहीं उठाई उंगली। भोपाल में टीम विद कमलनाथ इंस्टा आईडी पर बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर, न्यूज चैनल के मोनो के दुरुपयोग का। कटनी में बीजेपी को लगा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए दो बीजेपी नेता। सागर की घटना पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा, सरकार ने मामले की जांच के दिए हैं निर्देश। दिग्विजय के दौरे पर नरोत्तम मिश्रा का वार, बोले दिग्विजय राजनीतिक रोटियां सेकने की कर रहे हैं कोशिश। गुर्जर समाज के सम्मेलन पर बोले गृहमंत्री, कांग्रेस को 15 महीने में सब लोग आजमा चुके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज, बलिदान दिवस के रूप में मना रही बीजेपी। भोपाल के मनीषा मार्केट में लगे कमलनाथ के पोस्टर, कमलनाथ को पोस्टर में बताया गया वांटेड। भोपाल में लगे कमलनाथ के पोस्टर को कांग्रेस ने बताया बीजेपी की चाल, के मिश्रा का बयान, हमें नहीं पोस्टर अभियान की चिंता। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।